अबे यार चौप, ये शिनचैन कहाँ पर है? उसको पता है ना लेट हो रहा है। अरे उसको पॉटी आई थी, वही करने गया है। कब से बोल रहा है जाना है जाना है जाना है, अब जाते वक्त उसको हगना याद आया। अरे छोड़ो ना, आ जाएगा। आ तो जाएगा पर कब आएगा? अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो मैं आ गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? शिनचैन ये बहुत गलत बात है। अरे ये क्या बात हो गई, पॉटी करना कौन सी गलत बात है? जब तुझे पता है कि लेट हो रहा है तो पहले जाना चाहिए ना। अरे छोड़ो ना, अब तो आ गया ना, अब चलते है। हाँ ठीक है, और तो कर ही क्या सकते हैं, आ जाओ जल्दी। हमेशा का इन दोनों का ऐसा ही रहता है। अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? चौप इस बार तूने नहीं किया पर हर बार तू भी करता है, अब जल्दी आओगे? अरे आ रही है ना, इतना क्यों भड़क रहे हो? सुबह क्या चिल्लाने की गोली खाई थी? वैसे एक बात बताओ कि हम लोग जा कब पर रहे हैं? वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग किसी माउंटेन पे कैंपिंग करने जाए। अरे क्या बात कर रहे हो, उसमें तो बहुत ही मजा आएगा। मजा तो आएगा शिनचैन, वैसे भी हम लोग कितने दिनों बाद जा रहे हैं। अरे मुझे तो पहाड़ से बहुत डर लगता है, हम लोग वहाँ पर संभल के रहेंगे। तो तुझे क्या लगा चौप, हम लोग वहाँ से जम मारने जा रहे? संभल के रहेंगे ना भाई। अरे कब पहुँचेंगे? अरे बस यार हम लोग पहुँचने आए, अब बस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। एक मिनट, ये क्या है? गाइस यार यहाँ पर तो 2-3 सुअर मरे पड़े, कोई गाड़ी कुचल के गई क्या? आजकल लोग है ना अंधे हो गए बेचारे जानवर। अरे फ्रैंकलिन भैया खाली सुअर नहीं है, जरा आगे तो देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर है, ये सब किसने किया होगा? गाइस यार यहाँ पर तो बंदर हिरन पता नहीं क्या क्या मरे पड़े, ये सब किसका काम होगा? उसको जरा भी दया नहीं आई, ये जिसने भी किया होगा ना हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। शिनचैन तू सही बोल रहा है, एक बार मेरे हाथ में आ जाए। अबे यार किसका कॉल आ रहा है? तू नहीं, अब इसको क्या है? फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बहुत ही अर्जेंट काम है। अरे यार टोनी मैं कहीं पर फंसा हुआ हूँ, जरा मेरी बात को समझ। तुम जहाँ पर भी हो ये उससे भी ज्यादा अर्जेंट है, शहर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, तुम्हें आना ही होगा। अच्छा ठीक है, रुको आता हूँ। अबे यार क्या मुसीबत है। शिनचैन मेरी बात सुन, जल्दी से आके गाड़ी में बैठ, हमें टोनी के घर जाना है। अरे पर इन एनिमल्स का क्या होगा? देख शिनचैन जो होना था वो तो हो गया, अब ये लोग वापस जिंदा तो नहीं होने वाले। मैं तो बोलता हूँ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। बात तो तू सही बोल रहा है चौप, पर टोनी बोल रहा है कि कोई अर्जेंट काम है तो हमें पहले वहाँ पर जाना होगा, फिर वो काम निपटा के हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरे हाँ ये एकदम ठीक रहेगा। चलो यार हम लोग पहुँच गए, अब जल्दी से उतरो। गाइस यार जल्दी से अंदर जाते, पता नहीं क्या हुआ है ऐसा, आज का तो पूरा दिन ही बकवास है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, कोई तो खतरनाक सा जीव शहर में घुस आया है। पर एक मिनट, ये कौन है? इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें तो पता ही होगा पूरे शहर में बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ करना होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो जानवर को मार रहा है वो इसी का दुश्मन है। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। पर जो भी हो यार हमें जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा ना, मैं ऐसे उनको मरते हुए नहीं देख सकता। और ये काम किसका है मुझे पहले ये बताओ। ये काम है क्रूमैन का, वो बहुत ही खतरनाक है, वो अपने जादू से सारे जानवरों को मार रहा है, पता नहीं उसके जानवरों से क्या दुश्मनी है। अरे यार ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तुम एक काम करो, तुम्हारे राइट साइड में टीवी लगी हुई है, तुम्हें उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जल्दी से देखो। अच्छा ठीक है, कौन सी? ये वाली टीवी? गाइस यार जल्दी से जाके देखते हैं। तुम्हें दिख ही रहा होगा शहर में अलग अलग जगह पर बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। और ये सब काम है क्रोमैन का, ये रहा वो, उसका एक साथी भी है जो उसकी मदद कर रहा है। ओ भाई साहब ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, अब तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते हो। हाँ ये एकदम सही कह रही है फ्रैंकलिन, तुम्हें ये करना ही होगा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, ये तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हें जादू से जानवर बनाऊंगी जिससे तुम जानवरों का बदला ले पाओगे, और ये कोई आम जानवर नहीं होंगे, इन सबके पास कोई जादुई पावर होगी। जादुई पावर? अब मुझे नहीं पता वो जानवर कैसे होते हैं, पर तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मैं जानवरों के खिलाफ ये सब नहीं देख सकता। अब वहीं पर खड़े रहो। अच्छा ठीक है। गाइस यार पता नहीं क्या बनने वाले। ओ भाई एक चूहा, ये बनके मैं उनको कैसे मारूंगा? तुम ही बोल रहे हो कि क्रोमैन इतना खतरनाक है और फिर चूहा बना दिया। मैं अपने जादू से इतना ही कर सकती थी, अगर तुम्हें और ताकतवर होना है तो एनिमल ऑनलाइन शॉप से शॉपिंग करो। मतलब कि यहाँ मुझे पावर मिल जाएंगी ना? तो गाइस यार इतना बहुत है हमारे लिए, बाकी की मेहनत हम लोग कर लेंगे, अब जल्दी जल्दी निकलते यहाँ से, सब लोग ध्यान रखना। गाइस यार सबसे पहले हमें सोचना होगा कि पैसे कैसे जमा करें, क्योंकि बिना पैसे के हम लोग ताकतवर नहीं बन सकते, ना ही दूसरे जानवर, तो इसके लिए कोई तो जुगाड़ होगा, जाके शहर में ढूंढते हैं। एक मिनट गाइस यार क्या आपको भी किसी के चिल्लाने की आवाज आई? आवाज तो इसी साइड से आ रही है, जल्दी जल्दी जाके देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ओहो हो भाई साहब, गाइस यार जरा देखो तो सही, यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे और इन्होंने एक लड़की को घेर रखा है, पक्का ये बहुत अमीर होगी, हमें इसे बचाना होगा। गाइस हे तुम सभी लोग उसे छोड़ दो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। गाइस
मुझे लगता है मेरी आवाज इन तक पहुंच नहीं रही है। अगर इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये लोग लड़की को मार देंगे। हमें कुछ करना होगा। क्या करूँ यार, फंस गया हूँ मैं भी चूहा बन के। मुझे इनका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। एक काम करता हूँ, इस वाले को जाके मारता हूँ। और ये ले। ओ भाई साहब गाइस, ये सारे तो जादुई जानवर है। इसके पास और कुछ है या नहीं जरा देखूं। गाइस, ये चूहा तो अपने साथ गन कैरी करता है और पकड़ भी अच्छे से रहा है। जरा देखो तो सही आप लोग। अब ये लोग नहीं बचेंगे मेरे हाथ से, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। जरा देखे तो सही कि अपने पिटारे में और क्या है। ओहो, एक मिनी गन। भाई साहब, अब ये संभल नहीं रही मुझसे, इसके फोर्स की वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ। गाइस यार, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हटो दीदी। चलो गाइस, देखते हैं और क्या है। एक शॉट गन। गाइस यार, एक चूहा जैसे पकड़ रहा है ना मुझे, इस पे बहुत प्यार आ रहा है। यार ये मरा नहीं, एक जंप मार के इसके मुंह पे मारते हैं और ये गया। सीधा हेडशॉट, वो भी चूहे से। गाइस यार ये बहुत ही कमाल है, एक मिसाइल लॉन्चर यार। और क्या क्या हो सकता है इसके पास, इतने छोटे से जेब में इतना कुछ। डोरेमोन की पॉकेट लेके घूम रहा है क्या। अब तो मिसाइल लॉन्चर से एक साथ गए। गाइस यार गन चेंज करते हैं या कुछ और ले। ग्रेनेड। अब जरा कैच खेले ये लो। अरे यार कैच पकड़ा नहीं, तुम्हारी बारी। कोई कैच ही नहीं पकड़ रहा है। गाइस यार मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब देखते और क्या है। गाइस यार क्या जंप मार मार के मार रहा है। अब यहाँ पर एक बचा है। चलो सब खत्म। दीदी दीदी दीदी, आप सेफ हो, डरने की कोई बात नहीं है, अब आपको कोई खतरा नहीं। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम, अब मुझे नहीं पता तुम इसका क्या करोगे। अरे यार वो मुझ पर छोड़ दो। गाइस यार, एक तो उन गुंडों को मार के, और जो दीदी ने $10,000 दिए, हमारे पास पूरे $50,000 हो चुके हैं। देखते हैं $50,000 में कौन सा एनिमल आएगा। और ये बाय, दो पैरों पे खड़े होने वाली कैट। गाइस यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, दिखने में तो काफी कूल है पर शक्ल से चोर लग रही है। जब शक्ल से चोर लग ही रहे है तो कोई चोरी वाला काम करते है, पर चोरी करूंगा कहाँ यार, कुछ तो होगा। एक मिनट, ये गाड़ी वाला पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे चला रहा है, ये तो बैंक की तरफ जा रहा है यार। एक मिनट, कहीं जैसा मैं सोच रहा वो तो नहीं, ये तो पैसों वाली गाड़ी है। मुझे लग रहा है ये बैंक में पैसे रखने आया होगा। जरा ध्यान से देखते हैं गाइस, पैसे ही है या नहीं। ओहो भाई यार पैसे ही है। गाइस यार वो पैसे पेटी में लेके अंदर जा रहा है। अगर वो पेटी हमारे हाथ में आ गई तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। पर यार जाऊं कैसे, गेट पर तो गार्ड खड़े। मुझे कुछ और करना होगा। जरा देखे तो सही इस बिल्ली के पास कौन सा जादू है। और 1 2 3 बूम। गाइस हम लोग तो एक नॉर्मल कैट बन सकते हैं। भाई क्या बात है, ऐसे तो कोई हम पर डाउट भी नहीं करेगा और नीचे से निकल जाएंगे। चलो आगे तो बढ़ गए हैं, अब जल्दी जल्दी भागते यहाँ से, अभी तक हमें किसी ने देखा नहीं है। तो गाइस हमें जल्दी जल्दी करना होगा, हमें जाना है लॉकर रूम में जहाँ पर वो पेटी रखी हो सकती है। हम लोग बस पहुँचने वाले यार। गाइस ये रही पेटी। भाई साहब अब वापस से मुझे नॉर्मल होना होगा वरना इसे उठा नहीं पाऊंगा मैं। और 1 2 3 बूम। गाइस यार इसमें है बहुत सारा पैसा जिससे हमारा काम हो सकता है और हम लोग नेक्स्ट जानवर खरीद सकते हैं। तो जल्दी से उठ से उठाते हैं। भाई साहब अब बारी है भागने की। ओ लगता है इन्हें पता चल गया, अलार्म बज गई। गाइस मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए था यार, इन्हें फटाफट निपटा के आगे बढ़ना होगा। अगर इन्होंने पकड़ लिया तो पैसे भी जाएंगे और हम लोग भी जेल में जाएंगे। वैसे इन्हें भी अजीब लग रहा होगा, एक बिल्ली इनको मार रही है। गाइस यार ये पैसे वाली गाड़ी लेके भाग जाते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। चालू हो जा। चलो चालू हो गई। गाइस भाई यार इन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना होगा, सामने से आ गए। बच गए। अबे यार ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, इनसे पीछा छुड़ाऊं कैसे। अगर मैं सही टाइम पे गायब नहीं हुआ ना तो ये लोग पकड़ ही लेंगे अपने को। अबे नहीं, सामने से आ रही है, ये क्या हो गया गाड़ी को। यार गाड़ी खराब हो गई है। गाइस इसी टाइम पे खराब होना था। जल्दी नीचे उतर, मेरे पास एक आइडिया है। गाइस हम लोग गाड़ी को ही फोड़ देते, इसके आसपास की जितनी गाड़ियां होगी सब फूट जाएंगी। जल्दी शूट करते हैं। हां इससे काम नहीं हुआ, ग्रेनेड फेंकते हैं। इधर भी उधर भी भागो। पीछे से ब्लास्ट हो रहा है। पर गाइस पुलिस वाले आगे बढ़ चुके हैं और वो हमारा पीछा कर रहे हैं। यहाँ से जाओ तो जाओ कहा, ये लोग तो नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। यार गाइस हमें कहीं पर छुपना होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ मैं छुप सकता हूँ। ये झाड़ियाँ ठीक रहेंगी, वैसे भी मैं छोटा हूँ दिखूंगा भी नहीं। कहाँ गया वो बिल्ला, यही पर तो था। कहाँ जा सकता है, मुझे लगता है आगे गया होगा, आगे जाकर ढूंढता हूँ, आज तो वो बचेगा नहीं। चलो गाइस हमारे आंख के सामने से पुलिस वाले की गाड़ी गई और जरा देखो तो सही, इसमें है पूरे $1,00,000। अब देखते हैं $1,00,000 में कौन सा आता है। और बाय, ओ भाई साहब एक डॉग, और ये भी दो पैरों पर चलता है। गाइस यार ये सारे मैजिकल जानवर है, पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। अब सोचते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाएं। अबे यार ये कुत्ता अपनी तरफ क्यों आ रहा है, इसकी तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। शायद दो पैरों पे चलने वाला कुत्ता पहली बार देखा है ना। अबे यार सामने भी कुत्ते पीछे भी कुत्ते, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ का। गाइस मुझे लगता है अपने जादू का इस्तेमाल करना चाहिए, देखे क्या हो सकता है। और बूम, क्यों इतना बड़ा जानवर कैसे बन सकता हूँ मैं। गाइस यार हमारी वाट लग गई, एक छोटू से पग बन गए हम लोग, अब खा किन से बचूंगा मैं। भागो वरना ये लोग काट लेंगे यार। गाइस फंस गए, आगे तो रास्ता ही नहीं है, अब क्या करेंगे। अरे दोस्तों प्लीज छोड़ दो यार, मैं तुम्हारे बिरादरी का हूँ, प्लीज छोड़ दो।
गाइस मुझे लगता है लोग हमें भूखा खा जाएंगे और सॉरी कच्चा खा जाएंगे। ये छोड़ दो उस बच्चे को, वो कितना प्यारा पपी है, तुम लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हो, छू छू भागो यहाँ से। गाइस यार हमारा मसीहा आ गया। पपी तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। गाइस यार ये बच्चा मुझे अपने साथ रखना चाहता है, और ये कौन है, मुझे लगता है इसके पापा होंगे। अरे पापा मेरी बात सुनो ना, क्या ये पपी हम लोग रख सकते है? अरे पर बेटा इसे संभालेगा कौन? अरे मैं संभाल लूंगा, प्लीज 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 प्लीज। गाइस मुझे लग रहा है ये लोग मुझे अडॉप्ट करने वाले हैं, या शायद इन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। चलो अब आके गाड़ी में बैठो, तुम भी आ जाओ पपी। गाइस यार बहुत ही अजीब सी बात हो रही है, पहले कुत्तों ने भगाया, फिर इस बच्चे ने बचाया, अब ये लोग मुझे अपने घर पर लेके जा रहे हैं, मतलब कि इनके घर पर। पता नहीं इनका घर कैसा होगा, एक तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे। गाइस इतना बड़ा घर है, ये परिवार तो बहुत ही अमीर लग रहा है। चला चला बाहर निकलो, घर पर पहुंच गए। गाइस यार रात हो चुकी है और ये फैमिली बहुत ही प्यारी है, ये लोग बड़ी आराम से सो रहे हैं। इन्होंने मुझे बचाया था, मैं इनके घर की रखवाली करूंगा, वैसे मैं छोटा हूँ पर जितना हो सके उतना करूंगा। फिलहाल तो मुझे सुसु आया है, तो एक काम करता हूँ नीचे जाके बाहर सुसु कर लेता हूँ, घर के अंदर तो नहीं कर सकता, मैं थोड़ी ना चौप हूँ। अबे यार ये कैसी अवस्थी, कुछ गिरा क्या? ओ भाई गाइस यार घर के अंदर तो चोर घुसाया है। मालिक सुनो, बच्चे जल्दी से आ जाओ। अरे ये कैसी अवस्थी, ऐसा लगा वो पपी भौंका, पक्का नीचे कुछ तो हुआ है, जल्दी से आ जाओ बेटा, हमें जाके देखना होगा। गाइस 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 वो चोर तो चोरी करके भाग रहा है, इसकी तो मैं, अबे नहीं यार ये तो भाग गया, मैं इसका पीछा कैसे करूँ, वो तो गाड़ी में जा रहा है। एक मिनट गाइस यार मैं भूल गया, मैं तो जादू से पपी बना था, मैं दो पैरों पर चल सकता हूँ, मुझे जाके वो गाड़ी लेनी होगी, सबसे पहले तो रूप चेंज करूँ। चलो फाइनली बदल गए, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ यहाँ से। अबे यार टर्न मार जल्दी जल्दी जल्दी, वो ज्यादा दूर भाग जाएगा, हम उसे जाने नहीं दे सकते। इन्होंने मुझे बचाया है, तू इनके घर से चोरी करके भागेगा, इसकी तो मैं ये ले, इतना जोर से टक्कर मारूंगा ना गाइस, इसको जाने नहीं दूंगा कहीं पर। अब भाग भगना, अब क्या हुआ? गाइस 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 हम लोग आगे निकल गए। अबे नहीं 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 नहीं, वो टर्न मार के जा रहा है, जाता कहां पर, ये ले। अबे यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। गाइस एक काम करता हूं गाइस, इसके सारे टायर ही फोड़ देता हूं, जब टायर ही नहीं रहेंगे तो कितना ही तेज भगा लेगा। चलो तीन तो गए मुझे लगता है, अब बस एक बाकी है, वो भी चला जाए। जल्दी जल्दी निशाना लगाते हैं, फुज्जा फुज्जा फुज्जा, और गाइस मुझे लगता है काम हो गया, अब जल्दी से इसको लेते हैं साइड में। अब कहां पर भागेगा मैं भी देखता हूं, अब फटाफट से नीचे उतरना होगा गाइस, इससे पहले कि ये बाहर निकल के भागे। अबे नहीं यार इसकी गाड़ी अभी भी चल रही है, इसकी तो मैं जाता कहां पर है, बाहर निकल। हाँ नहीं तो भागेगा यहाँ से, तेरी तो ये ले। फाइनली गाइस इसे पकड़ ही लिया। पपी तुम कहां पर हो, मैं आ रहा हूँ। गाइस मुझे लगता है वो फैमिली आ गई, और मैं नहीं चाहता वो लोग मुझे ऐसे देखे, जल्दी से छुप जाता हूँ और रूप चेंज कर लेता हूँ। कहां गया वो चोर, यही मेरे घर पर चोरी करके भागा था, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे ये रहा पपी बच्चे, इसे कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है इसने इसको पकड़ा होगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ, आज मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ये लो पूरे $5,00,000, इससे तुम जो कर सकते हो करो। गाइस इसने कुत्ते को $5,00,000 दे दिए, पर हमें क्या, हमारे तो मजे है, इसने मेरे पप्पी को मारा है, इसे छोड़ना मत पापा। और प्लेट छोड़ दो, मैं उससे गलती हो गई, अगली बार नहीं करूंगा। गाइस यही मौका है, फटाफट यहाँ से सरक लेते हैं, इससे पहले ये लोग वापस मुझे उठा के अपने घर लेके जाए। फटाफट फटाफट इतने सारे पैसे मिले तो जल्दी से अपग्रेड करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या है। वाह और परचेज, ओ भाई साहब हम लोग तो ईगल बन गए, चलो कम से कम उड़ तो सकते हैं, तो फटाफट उड़ के जाते हैं यहाँ से। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए काम है। अरे पर मैं पहले से कोई काम कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी बर्ड बने हो, ये तुम्हारे लायक का काम है। अच्छा ठीक है बताओ। कोई आदमी मिलिट्री से एक व्हीकल लेके भाग गया है, और वो व्हीकल बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो शहर की सारी गाड़ियाँ उड़ा रहा है, मिलिट्री वाले उसका पीछा कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है वो हाथ से निकल जाएगा, तुम्हें उसकी लोकेशन देनी होगी। अच्छा ठीक है मैं ढूंढता हूँ, उसका पीछा करता हूँ। गाइस यार मिलिट्री के व्हीकल तो ये रहे, पर जो बंदा इनसे भाग रहा है हमें उसको ढूंढना होगा। थोड़ा और ऊपर जाते हैं। गाइस यार जरा शहर में देखो तो सही, क्राइम कितना बढ़ गया है, नीचे के हालात कितने ज्यादा गंदे है, पुलिस और माफिया की फाइट चल रही है। मैं भी इनकी मदद करना चाहता हूँ, पर पहले से मैं किसी मिशन पर हूँ। गाइस ये रही वो गाड़ी जो कि चोरी हुई थी। भाई साहब ये तो वही वाली गाड़ी है ना जो नीचे से एकदम चपटी होती है, इसके सामने जो भी गाड़ी आएगी ना उड़ी जाएगी। हाँ मुझे कुछ और करना होगा, क्या करूँ क्या करूँ, मेरे पास एक आइडिया है, इधर से टर्न लेते हैं। तो गाइस ये रहा वो आइडिया, देखो सारे जानवर जादुई है, तो ये ईगल भी होगा, मुझे बस इस पेड़ को जोर से टक्कर मारनी है, देखते ये गिरता है कि नहीं, और ये मैंने मारी टक्कर। गाइस यार पूरा पेड़ गिर गया, अब तो ये बचेगा नहीं, और ये गया बूम बूम। भाई साहब गाइस हमने बहुत अच्छा काम किया, और मिलिट्री वाले भी आई गए, अब तो इसकी खैर नहीं है। अच्छा तो तू हमसे भाग रहा था, तेरी इतनी हिम्मत, तू चोरी करेगा ये ले। गाइस गया वो पकड़ा गया, शुक्रिया बाद में बोलना, हम लोग निकलते हैं। एक मिनट यार ये मैसेज कैसा? गाइस यार मिलिट्री
फैक्ट्री वालों की तरफ से हमें $10,00,000 मिले। अब जल्दी से देखते हैं इसमें कौन सा सूट आ सकता है। अबे नहीं नहीं नहीं, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। गाइस गाइस, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ। जल्दी से मार्केट खोल के परचेस करते हैं। हम लोग एक शार्क बन गए गाइस। ये थोड़ा घाई में हुआ पर सही जगह पर सही चीज हुई है। अबे यार, ये कौन अटक कर रहा है, इसकी तो मैं ये ले। अब तो ये बचेगा नहीं। गाइस यार, ये शार्क बहुत खतरनाक है। गाइस मुझे लगता है मैंने एक को मारा, यहाँ तो पूरी मंडली जमा हो गई है। वैसे पहले वाले को मारने के मुझे पैसे मिले थे, अब देखते हैं इनके पैसे मिलते कि नहीं। गाइस यार, पैसे मिल रहे और बहुत ज्यादा ज्यादा मिल रहे। मजा आ गया यार, किसी के 50,000 तो किसी के 1,00,000 तो किसी के 2,00,000। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सबको मार देंगे। यहाँ पर दो चार फिश। अबे यार, ये लोग बहुत जोर जोर से अटैक कर रहे हैं और पूरी भीड़ में कर रहे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। कोई नहीं थोड़े बहुत बच्चे, इन सबको भी निपटा देते हैं। क्या पूछ से मारती है यार, बहुत तगड़ा लगता है इनको। अबे 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 छोड़, एक ही साथ आ जाते हैं। अब तो गाइस ये लोग गए, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये ले और ये ले, कोई नहीं बचेगा। गाइस मुझे लगता है कि मैंने सबको निपटा दिया है, पर अभी भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम बोट्स को उड़ाएंगे। हो गाइस यार, ये दांतों से कुछ भी तोड़ सकती है, बहुत खतरनाक शार्क है। एक दो बड़ी बोट को भी उड़ाते हैं। अब बस एक और चाहिए, फिर हमारा कोटा शायद पूरा हो जाए। और ये ले, इसको तो गाइस हवा में उड़ाते हैं। और ये गई। अबे नहीं 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 नहीं, मैं पानी के बाहर निकल गया, मेरे मुंह में एक इंसान फंस गया है। अबे निकल, थोड़ी देर तैर के आ जा। गाइस यार, मैं पानी के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ और मेरा दम घुट रहा है, मुझे पानी के अंदर जाना है। नहीं, एक काम करता हूँ, जल्दी से अपग्रेड कर लेता हूँ, मार्केट खोलता हूँ, देखता हूँ क्या इसमें परचेस। गाइस यार, बार बार बच्चे अभी तो मर ही जाते। हम लोग एक निंजा टर्टल बन गए, बहुत ही कूल लग रहा है। और मुझे पता है कि आगे पैसे और कैसे कमाने हैं। अचानक से मेरे दिमाग में आया, पर वहां पहुंचने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। दादा माफ कर देना। अबे यार, ये पास आ रहा है, इसकी तो मैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं एक रैंप के पास, वहां हमें अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। देखो 2,000,000 तक के तो सूट ले चुका हूं मैं, अब हमें आगे और सूट चाहिए। चलो हम लोग पहुंच गए, जल्दी से रोकता हूं। दादा यार जल्दी बताओ, यहां पर क्या होने वाला है? अरे यहां पर एक रैंप होने वाली है, वो भी बहुत खतरनाक। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, पर करना क्या है, रूल क्या है, इनाम क्या है, वो बताओ ना। देखो रूल काफी सिंपल है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। रेस इनके साथ होगी और ये रहा वो रैंप, ये बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है और बहुत ज्यादा ऊंचा, तो संभल कर जाना। इसमें तुम्हें 2 से 3 चीजें चेंज करनी होगी, बाइक से कार, कार से हेलीकॉप्टर, अगर तुम 5 मिनट के पहले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हो, या फिर तुमसे कम टाइम में जो भी पहुंचा वो जीत जाएगा। गाइस गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये ऑरेंज वाली बाइक लेता हूँ, ये मुझे ज्यादा कूल लग रही है। तो गाइस रेस बस शुरू होने वाली है, 3, 2, 1 और ये मैं चला। गाइस मुझे लगता है पीछे थोड़ी हड़बड़ी हो गई है, ये लोग तो झगड़ा कर रहे हैं। चलो एक चीज तो कंफर्म हो गई, 5 मिनट का तो पता नहीं, पर इनसे तो जल्दी पहुंचूंगा मैं। ओ भाई यार, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ जा रहे हैं। यार बचा लेना बचा लेना बचा लेना, यहाँ से एक जंप है। भाई पहुंचो पहुंचो पहुंचो, नीचे नहीं, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए। अब जल्दी से बाइक से उतर के कार लेते हैं, यहाँ से आगे की जर्नी कार में होगी। चलो चालू हो गई। गाइस यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया तो, कितना रिस्क ले रहा हूँ यार मैं। अब यहाँ से नीचे की तरफ, ये बॉल बीच में कौन रखता है यार। चलो 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 चलो, कमॉन हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ से एक और जंप है, इन फुटबॉल को तोड़ना है, मतलब के बिखेरना है। आउच आउच आउच, चलो सीधे हो गए। अब यहाँ से ये बड़े बड़े बर्गर है। गाइस मुझे लगता है कि ये मैं पूरा कर लूंगा 5 मिनट के पहले, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे क्या खतरा होने वाला है मुझे नहीं पता। अबे नहीं 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 नहीं, बस कूदना पड़ेगा। आउच आउच आउच, यार हालत खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, सामने हेलीकॉप्टर है, जल्दी से बैठते हैं। चालू हो जा भाई। गाइस टाइम बहुत कम बचा है, अपनी पूरी स्पीड के साथ जाएंगे इसके बीच में से, जल्दी निकलना पड़ेगा। जल्दी 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 पहुंच जा, कहीं टकराना मत। बच गए, अब बस प्लेटफॉर्म तक जाना है। देखो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करा पाता इसलिए मैं कूद रहा हूँ। गए 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 गए, कोई बात नहीं। गाइस हम लोग ने 5 मिनट के पहले कर लिया और हमें मिले हैं पूरे $5,000,000। मजा आ गया यार। अब जल्दी से देखते 5 मिलियन में कौन सा है। और ये भाई एक वेयरवुल्फ, ये खतरनाक है। अब जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं यार, और भी पैसे कमाने। एक मिनट यार, बस सामने कोई तो खड़ा है और ये तो बहुत देखा हुआ लग रहा है। ये तो वही कैटमैन है ना जो स्क्रोमैन के साथ था। तुमको क्या लगता है, तुम सबको हरा के जीत जाओगे? पहले तुम ना गला ठीक कर ले, मुझे लगता है खराज हुई है। तुमने मेरे गले का मजाक उड़ाया, अब तुम बचोगे नहीं। ये लो। गाइस यार ये तो भड़क गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं बोलता हूँ डील कर लेते, तुम लोग जानवरों को मत मारो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। इसकी तो मैं आउच आउच, मुझे गुस्सा दिला रहा है। ये ले। उप्स गाइस हम लोग आगे निकल गए, कोई बात नहीं, फिर से पीछे जाके मारेंगे। अरे यार इसने मार दिया पहले, ये बचेगा नहीं। और ये ले, इतना जोर से मारूंगा ना गाइस, अब ये नहीं बचने वाला। भाई साहब, गाइस यार मजे आ गए। एक काम करता हूँ, इसको एकदम ऊपर उठा के फेंकता हूँ, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। अब इसकी वाट है, और ये गया।
गाइस यार पूरे 10 मिलियन डॉलर मिले से मारने के। अब मिली गए तो जल्दी से देख लेते हैं कि 10 मिलियन डॉलर में कौन सा जानवर मिलता है, मतलब के मैजिकल जानवर। और ये रहा, बाय। चलता फिरता टाइगर या फिर टाइग्रेस, पता नहीं गाइस ये क्या है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, हमें क्रोमैन का पता चल चुका है, ये रही वो लोकेशन। अरे भाई साहब गजब हो गया, अब तो उसको नहीं छोड़ूंगा। एक काम करता हूँ, जिस किसी की भी बाइक है ना यही लेके जाता हूँ, ऑप्शन ही नहीं है। चालू हो जा, इससे पहले इसका मालिक आए। चलो चालू हो गई। गाइस देखो ये जगह है उस साइड, और मैं रोड से जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट मार के, ये अपने लिए अच्छा रहेगा और हम लोग जल्दी पहुंच भी जाएंगे इससे पहले कि क्रोमैन वहां से भी भाग जाए। आज तो वो बचेगा नहीं हमारे हाथ से, मैं आ रहा हूँ। गाइस यही थी वो लोकेशन, और एक मिनट वहां पर कोई बैठा है, मुझे लगता है कि वही क्रोमैन है। जल्दी जल्दी जाते हैं उसके पास। ये कर क्या रहा है गाइस, का ये ऐसे ही जादू करके जानवर को तो नहीं मार रहा। जल्दी जल्दी जाते, तेरी तो इधर आ, और ये ले और ये खा। ओ ओ आउच 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 आउच। अबे यार ये तो उठ गया, मुझे लगा था मैं इसको सोते सोते खत्म कर दूंगा। अब ये लात खा। गाइस यार इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मारना पड़ेगा इस टाइगर को, कराटे आते हैं। और ये ले, क्या जम मारते हैं यार। गाइस यार मजा आ गया। आउच 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 आउच। भाई यार ये तो बहुत खतरनाक है गाइस, इसे कैसे रोकूं अभी। मारना पड़ेगा, क्रोमैन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओ भाई साहब इसे कैसे रोकूं यार गाइस। वैसे इसको थोड़ा बहुत मार के हमें बहुत सारे पैसे मिले, अभी हमारे पास कम से कम 20 मिलियन डॉलर है। बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो जल्दी से अपना रूप चेंज कर लूं और अपग्रेड हो जाऊं। गाइस यार उसने हमें बहुत दूर फेंका है, जब तक वो यहाँ पर पहुंचेगा हम लोग जल्दी से अपना अपग्रेड कर लेंगे। देखते हैं 20 मिलियन में क्या मिलेगा। और ये बाय गाइस, मजा आने वाला है, हम लोग एक ड्रैगन बन गए भाई साहब। अब तो वो गया, क्रोमैन तेरी तो वाट है। और ये ले, जला के खाक कर देंगे गाइस इसको तो हम लोग। अब देखता हूँ ये कैसे बचता है, बहुत सारे जानवरों को मारा ना, अब तेरी बारी है मरने की। और जलाते गाइस, चांस ही नहीं छोड़ूंगा इसे जिंदा रहने का। अब मुझे लग रहा है कि ये गया। ओ चलो अब जल्दी से नॉर्मल बन जाते हैं। और बूम। वाह यार गाइस आखिरकार हमने जानवरों का बदला ले लिया, अब कोई जानवर नहीं मरेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।